Assalamualaikum, this is your Zinu White and welcome back to मेरा नया vlog. अभी का vlog सुबह start हो रहा है और आज मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ. स्वेलिंग देख रहे होगे आँखों में और रात को लेट सोई हूँ क्योंकि रात को हम रील वगैरह शूट कर रहे थे. रात को शाम को हमारी एक रील जो है वो वायरल हो गई है, बहुत वायरल हो गई है, 11 मिलियन हो गई है और अभी भी चल रही है. तो उसी का पार्ट टू हमने बनाया है आज की आईडी पे. 5 मिलियन हो गए थे ना आज की आईडी पे उसको, तो फिर मैंने कोलैब कर लिया था. और एक हफ़्ता आज हुआ है उस रील को, एक हफ़्ता, और आज वो 11 प्लस हो गई है, 11 मिलियन प्लस हो गई है. तो कल शाम को हमने उसका पार्ट टू बनाया है, तो जाके ज़रूर देखना. 5 मिलियन हो गए थे तो मैंने अपनी आईडी पे कोलैब कर दिया था, मतलब भी हूँ मैं. नहीं, एक्चुअली मेरा ध्यान नहीं था कोलैबोरेशन की तरफ, तो इसीलिए फिर 5 मिलियन पर आ गया ध्यान. तो शुक्र है कि कोलैब हो जाता है. तो अभी के लिए फ़िलहाल हमने वो शाम को रील बनाई थी, फिर उसको एडिट करने में टाइम लगा, ये वो वगैरह. तो 12, 12:30, 1 बजे तक हम सो गए थे. फिर परसों भी यही हुआ था. परसों क्या हुआ कि लाइट चली गई थी रात को लाइट चली गई, तो इतनी ज़्यादा गर्मी हुई, 1 बजे सोए थे हम. परसों भी नहीं सो पाए अच्छे से. तो आज मुझे पंखा दे रहे थे. ये वाली क्लिप मैं दिखा दूंगी आपको, वो उस टाइम पे फिर मैंने थोड़ा सा व्लॉग मतलब वीडियो शूट की थी, वो वाली क्लिप दिखाऊंगी. रात के 12:30, 1 बजे की है. तो फिर 1 बजे लाइट आ गई थी, उसके बाद तो सो ही गए थे. वहाँ पर बिना पंखे के तो ना बैठना नहीं बनता, बहुत गर्मी हो जाती है. क्योंकि यहाँ पे जो 10 दिन है ना, ये 10 दिन गर्मी रहेगी. क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं कि चावल वगैरह सुखाते हैं, वो धान का शायद, वो चावल सुखाने के लिए यहाँ पे 10-15 दिन गर्मी पड़ती है. तो वही गर्मी ना बहुत ज़्यादा पड़ रही है. और कल बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई थी, फिर भी ठंड नहीं थी. तो अब शाम को बारिश पड़ी थी बहुत ज़्यादा, इसीलिए थोड़ा अभी मौसम ठीक है. क्योंकि आज सुबह से ना, अभी थोड़ी देर पहले से लाइट गई है, पावर कट होने का मैसेज आया था, तो आज लाइट नहीं होगी. और इसीलिए ना मेरे को कल से टेंशन भी हो रही थी, सर में दुख रहा था कि लाइट नहीं होगी तो मैं कैसे एडजस्ट करूँगी. तो अभी तो फ़िलहाल मुझे ठीक लग रहा है, मतलब ठीक लग रहा है, खाली प्रॉपर ठीक नहीं बोलूँगी. तो मैंने सोचा व्लॉग शूट कर लूँ क्योंकि आज सैटरडे है. और पहले ही मैंने बोला कि सैटरडे संडे आया हमारे काम का दिन. तो लेकिन अयाज को आज छुट्टी नहीं है, वो चले गए हैं, मैं अकेली पड़ गई हूँ. ऊपर से गर्मी होने वाली है शुरू 11 बजे के बाद, लाइट भी नहीं है, पूरे दिन लाइट नहीं है. इसलिए मैंने सोचा है कि मैं पार्सल हो जाऊँगी मामू के घर, इसलिए मैं वहाँ चली जाऊँगी. तो लेकिन अगर मुझे ज़्यादा लगेगी गर्मी, लेकिन मैं रेडी रहती हूँ, मैं रेडी रहूँगी. मगर ऐसे गर्मी लगी ज़्यादा तो मैं चली जाऊँगी, क्योंकि मेरे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे है इस वक्त. फिलहाल चली जाऊँगी मैं वहाँ पे. तो अभी मैं फिलहाल रेडी होने के लिए ही ऊपर आई थी, तो मैंने सोचा ब्लॉग भी बना लूँ और आप लोगों को बता दूँ कि क्या चल रहा है इस वक्त. तो स्वेलिंग हो गई है बहुत ज़्यादा यहाँ पे आज. तो प्रॉपर नींद ना होने की वजह से फेस बहुत डल हो गया है और हम 2 दिन से मतलब ऐसे ही सुस्त सा रहा है. तो इसलिए अभी मैं जा रही हूँ अपना फेस वॉश करने क्योर स्किन के साथ ही, जो मेरी स्किन को थोड़ा एक्टिव कर दे जल्दी से जल्दी. और फिर मैं कहीं जाके मतलब कुछ सोच पाऊँ कि मैंने क्या करना है आगे, क्या करूँ मैं आगे. तो चलो चलते हैं मेरे साथ वॉशरूम में. आज तो बिना लाइट के मेरी वॉटी लगने वाली है. चलो छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा. सबसे पहले तो मुझे अपनी डल स्किन को एक्टिव करना है, तो मैं यूज़ करूँगी क्योर स्किन का फेस वॉश, जो मेरी स्किन को एक्टिव और रिफ़्रेश करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. साथ ही में ये स्किन की ड्राइनेस दूर करने में भी मददगार साबित होता है. चलो, यहाँ पर मेरी स्किन थोड़ी ग्लो करने लगी है. नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी मल्टी एक्टिव करेक्टर, ब्राइट एंड ग्लो लुक देता है, साथ में पिगमेंटेशन डलनेस और ड्राइनेस पर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. और उसके बाद ये नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करती हूँ, बैरियर रिस्ट्रक्टर क्रीम, जो पूरा दिन मेरी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है और एक ब्राइट एंड ग्लो देता है. साथ ही में लास्ट प्रोडक्ट है हमारे पास, जो मेरा फेवरेट है, सनस्क्रीन, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ. इसके बाद ना मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक टिंट लगा लो अच्छा सा. तो ये आपको सनबर्न से भी बचाती है, बाकी आपको वापस से एक अच्छा ग्लो देती है. तो गाइस, कल आज नेक्स्ट डे और कल मैं व्लॉग फिर अधूरा छोड़कर ही बैठ गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी. फिर मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई और फिर मैं बोल रही थी कि मैं मामू के जाऊँगी, फिर नहीं गई क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं गई, मतलब मेरे से चलना नहीं बनता ना ज़्यादा. मैंने सोचा कौन स्कूटी पे बैठना नहीं बनता ये वो, फिर मैंने बोला क्या, फिर मैंने सोचा कि ठीक है घर पे अब 4 ही घंटे तो बचे हैं वैसे भी, तो एडजस्ट कर लिया मैंने, नहीं गई. पर मैं फिर वीडियो वगैरह नहीं बना पाई आगे, तो मैं अपनी स्किन केयर रूटीन पर अटक गई थी. तो मैं आपको बता दूँ कि
किसी को भी अगर वो प्रोडक्ट चाहिए, किसी को भी अगर वो प्रोडक्ट लेने हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उस लिंक के थ्रू अगर आप लेते हैं वो प्रोडक्ट, तो आपको 100% ऑफ मिलता है। तो डॉक्टर बेस्ड ऐप है वो, आपको घर बैठे ही डॉक्टर जो है आपकी स्किन को एनालाइज करके आपको प्रोडक्ट देते हैं, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। तो आपको ना कोई भी कंसल्टेंसी फ़ीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और एक हेल्दी डाइट दी जाएगी, डाइट प्लान दिया जाएगा, और डॉक्टर हर मंथ जो है डॉक्टर आपको फॉलो अप करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे बैठ के ही मैं यहाँ पे चेयर पर बैठ के ही नमाज पढ़ रही थी, क्योंकि मेरे से खड़े होकर नमाज पढ़ी नहीं जाती, इसलिए मैं चेयर पर बैठ के यहीं पर नमाज पढ़ती हूँ। तो फिर मुझे याद आया कि कल मैंने व्लॉग भी अधूरा छोड़ दिया था, तो फिर अभी वैसे भी 2 बज रहे हैं, 2 बजे के बाद फिर मुझे नींद आ जाएगी, तो इसलिए फिर मैंने अभी से व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, अभी मैं नीचे जाके खाना खाऊंगी, उसके बाद हम थोड़ा रेडी हो जाएंगे सीधे, आज घर पर ही है, संडे है, तो फिर हम रील्स वगैरह शूट करेंगे, देन उसके बाद मेरा व्लॉग भी बन जाएगा और रील्स भी बन जाएंगी, और मैं नींद भी नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं दिन में कोशिश करती हूँ कि मैं नींद नहीं करूँ, क्योंकि फिर मुझे रात में नींद नहीं आती है, फिर रात भर मैं जागती रहती हूँ, फिर अयाज साहब को सुबह काम पे जाना होता है, तो फिर मैं उनको भी साथ में जगाती रहती हूँ, ऐसे देख वो फिर उठ जाते हैं, मतलब रात को फिर वो भी नहीं सोते हैं, फिर दिन में उनको टाइम नहीं होता सोने का, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दिन में ना सोऊँ, तो रात। चलो, नीचे से कॉल भी आ गई, अभी मैं खाना खाने जाती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। अभी आ गई हूँ मैं यहाँ पर रूम में खाना वाना खा के, तो क्या होते तो मूवी देखते हैं, मूवी शूवी तो नहीं देखेंगे अभी। आप ऊपर आए, जलेबी लेकर आई थी आपके लिए, खा गई तो खुद ही रास्ते में एक एक करके जी। आज अबू जी भी घर पे थे, तो उन्होंने जलेबी लाई थी, बहुत सारी चीजें लाई थी मेरे लिए, तो उसमें से थोड़ी सी जलेबी आपको दे दी। चल, थोड़ी सी नहीं, वो सबके लिए थी, तू नीचे से लेते रहते आते, एक ही बची, अब पूछूंगा मैं नीचे से एक ही भेजी थी। मूवी देखते थोड़ी सी, मूवी नहीं देखनी, टीवी क्या हो गया, मूवी नहीं है क्या? ठीक नहीं, सुबह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हो गया? कुछ नहीं, बस व्लॉग भी जबरदस्ती बना रही हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे हमारा काम का टाइम होता है, बनाना पड़ेगा मुझे व्लॉग। चल ना, अच्छी मूवी देखते हुए लेके आता हूँ। नहीं देखनी मेरे को। क्यों? कुछ खाने को भी लाऊंगा बस। क्या हो गया? घर जाना है। घर कैसे जाएंगे? कितना टाइम होगा? तू जा पाएगी कम से कम 8 महीने के बाद? चाची मजाक नहीं करो, अम्मी अब्बू आएंगे तो भी। हाँ गाइज, मैं बोलने वाली थी आपको, मैंने एक वीडियो में बोला था कि घर वाले भी आएंगे, तो वो आ रहे हैं, दिसंबर 2 को उनकी टिकट्स हैं, तो वो अम्मी अबू आ रहे हैं खाली फ़िलहाल, क्योंकि जल्दी जल्दी में टिकट्स किए हैं, क्योंकि और थोड़ा जल्दी करनी थी, नवंबर में करनी थी, पर हो नहीं पाई पॉसिबल, दिवाली थी, तो दिवाली की सारी बुकिंग्स हो गई थी, यहाँ पर छुट्टियाँ होती है, मतलब दिवाली की वेकेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए सारी बुकिंग्स पहले ही हो गई होती हैं, यहाँ के लोग ना वहाँ घूमने जा रहे होते हैं, कोई कटरा मंदिर जा रहा होता है, कटरा में जो मंदिर है, कोई घूमने जा रहा होता है कश्मीर श्रीनगर, तो सारी बुकिंग्स हो गई होती हैं, तो इसकी वजह से हमें नवंबर में टिकट्स वगैरह नहीं मिली, तो दिसंबर की टिकट्स है घर वालों के आने की। मैं कब जा पाऊंगी मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मेरा मूड बहुत ख़राब है, मुझे आज नमकीन ठीक करने का गुड लक है। अभी मैं नीचे यही बात कर रही थी कि नमकीन चाय और रोटी खानी है, यहाँ पे वो चाय की पत्ती भी नहीं मिलती है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे दी थी, वहाँ से भेजी थी डब्बा भर के, लेकिन मैं पी नहीं पाती वो, मतलब या तो शायद अकेले, क्योंकि इनमें से तो कोई पीता नहीं, इनको उसका टेस्ट मतलब समझ नहीं आती है इनको, समझ नहीं आती, नहीं अच्छा ही नहीं लगता। चलो आप लोगों को अच्छा नहीं, जैसे मुझे इनका कुछ खाना है जो अच्छा नहीं लगता, वैसे ही क्या बोलते हैं इसको, इनको नमकीन चाय अच्छी नहीं लगती। अब हम जम्मू कश्मीर वालों को तो नमकीन चाय के बिना सुबह नहीं होती। आज पीऊँगा, बनाएगी? ठीक है, अगर पिएगा तो बनाऊंगी, पर फीकी मीठी नहीं। मीठी कहाँ बननी है, नमकीन चाय। अच्छा, तो वो कुछ और आता होगा ना, और जो बनाना है दूसरा ब्लैक वाला, वो कहवा होता है। यहाँ पे किसी को भी सर्दी खांसी होती है ना, तो मैं इनको कहवा बना के देती हूँ, तो इनको मीठा पसंद नहीं है, पर मैं उसमें थोड़ा मीठा इसलिए डालती हूँ क्योंकि उसका टेस्ट थोड़ा तीखा होता है, ताकि इनको थोड़ा टेस्ट भी लगे और ये लोग कहवा पी पाए और सर्दी जुकाम, सर्दी और खांसी ठीक हो जाए। इसलिए मैं जाऊँगा बाहर। कहाँ? बाहर मेरे दोस्तों के साथ।
क्यों? घुमाऊंगा मैं घर पे रहूं है ना, कुछ लाऊंगा तेरे लिए। तो अबू जी ने मेरे लिए सब कुछ लाया है। मैं भूल गया, आपको पेठा बोला था लाने के लिए। पेठा नहीं मिल रहा है यहाँ। पेठा नहीं, वो गोल गोल हमने जो मिठाई खाई थी वो कौन सी खाई थी? वो थी पेड़ा, पेड़ा खाया था। वही लेकर आना वही मिठाई। अभी तो जलेबी खा ली, वैसे फिर देखते हैं। तो अभी देखते हैं आज क्या मंगवाएगी। कुछ नहीं मंगवाने वाली मैं आज, रोज मेरे से जोमेटो करवाते हैं। अच्छी बात है ना। मैं कुछ बोल रही थी, टॉपिक पे बात चल रही थी, हटा दिया आपने। तो वही तो बोलना है तुझे। क्या बोल रही थी मैं? क्या बोल रही थी? आज मेरे को लगा था तैयार व्यार हो गया, रील्स वगैरह शूट करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा कुछ, तो इसलिए डिले करती हूँ थोड़ी देर तक। अगर पहले सो ही जाती हूँ, सो गई तो फिर 3 घंटे तक मैं उठने से रील, मेरा मन नहीं कर रहा, फिर देखती हूँ आगे व्लॉग का। गाइस मुझे नहीं लगता कि आज मेरे से व्लॉग बनेगा, और आज का व्लॉग मैंने आपको ऐसे ही बातों में ऐसे ही बना दिया। मेरा खुद का मूड ख़राब था, आप लोगों का भी मैंने कर दिया, मैं खुद ऐसे अजीब सी थी, आप लोगों को भी कर दिया। क्योंकि मेरा कहना यह है कि हम अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो अगला भी रहता है। अगला बेचारा खुद दुखी होता है, वो अपने दुख वो तकलीफ दूर करने के लिए कुछ टाइम के लिए किसी की वीडियो पसंद करता है उसको देखना। तो वो अगर वो वीडियो वाला खुद ऐसा पैंडा जैसा दुख वाला होगा तो फिर तो बहुत गंदी वॉट लगेगी अगले की। दुख नहीं है मतलब, ऐसे ना थोड़ा मन ख़राब है, और इंसान हो यार, मन तो ख़राब होता ही होगा कभी। अब हर व्लॉग में मैं खुश नहीं रह सकती हूँ, मतलब खुश मैं रहती हूँ, कभी कभी ऐसा मन खराब होता है। ठीक है, ये देखो भाई फोन देख रहे हैं कैसे। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं इस बिस्तर पर सो गई हूँ ना, इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं व्लॉग नहीं बना पाऊंगी, कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं दे पाऊंगी, मेरा नहीं चल रहा दिमाग, इसलिए मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी। और आज के व्लॉग को एडजस्ट करना और खूब सारा प्यार देना, क्योंकि पिछली 2 वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा कम प्यार बरसाया है। तो पिछली वीडियोज में जाकर प्यार बरसाओ, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले ही सब्सक्राइब कर दो, और लाइक शेयर कमेंट कर दो। 30K सब्सक्राइबर तो कर दो, उसके बाद हम 50K पहुंचना है, 80K पहुंचना है, 1 लाख पहुंचना है, फिर आगे ज़िंदगी रही तो मिलियन पहुंच जाएंगे। ठीक है, बाय।